इन्वेस्ट इन 5,000 थाउजेंड एकर्स प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर लैंड एंड ऑयल रिफाइनरी विद यूनाइटेड फार्मिंग इन रशिया जिन एंजल इन्वेस्टर्स को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने का शौक है कि लार्ज स्टेट के अंदर लार्ज प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए और वो प्रॉपर्टी अच्छा प्रॉफिट दे सकती हो तो ये एंजल इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट प्रपोजल होगा उनकी लाइफ का कि इन्वेस्ट इन 5,000 थाउजेंड एकर्स प्रोजेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड प्लस ऑयल रिफाइनरी विद यूनाइटेड फार्मिंग इन रशिया टोटल लैंड प्रोजेक्ट इज 40,000 टू 50,000 एकर्स प्लस ऑयल रिफाइनरी सेलेबल लैंड 20,000 टू 25,000 हेक्टर्स प्लस 50% परसेंट शेयर्स ऑफ ऑयल रिफाइनरी टोटल जो सेलेबल लैंड है एस्टिमेटेड अबाउट 50,000 थाउजेंड एकड़ है और ऑयल रिफाइनरी जिसमें लगभग 25,000 फाइव थाउजेंड एकड़ ही लैंड से है और ऑयल रिफाइनरी के 50 परसेंट शेयर इसका मतलब है कि एंजल इन्वेस्टर सिर्फ फाइव एंजल इन्वेस्टर को इन्विटेशन है कि जो 5,000 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे कहने का मतलब है कि 50 परसेंट इक्विटी है तो 10 परसेंट इंटू फाइव कि जो इन्वेस्टर है कंपनी के ऊपर उसको 10 परसेंट इक्विटी मिलेगी और 5000 थाउजेंड ईश वो ओनरशिप उनको मिलती है 5000 एकड़ लैंड के ओनरशिप और जो ऑयल रिफाइनरी है उसमें भी 10% परसेंट के हिसाब से उसको इक्विटी मिलती है इस तरह से फाइव जो इन्वेस्टर हैं टोटल कंपनी की 50% परसेंट इक्विटी के ओनर हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस इंटायर प्रोजेक्ट कॉस्टिंग वन लैख टेन थाउजेंड रुपीज पर एकड़ तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है फाइव फाइव थाउजेंड एकड़ फिफ्टी फाइव करोड़ फिफ्टी फाइव करोड़ रूबल्स रूबल्स और इंडियन रुपीस का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है जिसका मतलब एस्टिमेटेड फिफ्टी फाइव करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन 55 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करना है अभी सिर्फ 50% परसेंट आपने इन्वेस्टमेंट करना है और 50% परसेंट जो आपको मिलेगा 27.5 करोड़ आपको लोन मिलेगा और 27 करोड़ 50 लाख आपको पेमेंट करना है इन्वेस्टमेंट फिफ्टी फाइव करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट में ट्वेंटी फाइव सेवन करोड़ आपको लोन है और ट्वेंटी सेवन करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट है ट्वेंटी सेवन करोड़ जो लोन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है फाइव पॉइंट नाइन परसेंट और उसकी रीपेमेंट है जो 5000 थाउजेंड एकड़ ऑफ लैंड है जो 5000 थाउजेंड लैंड का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से ही आपकी लोन की रीपेमेंट है यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 50% परसेंट है और 50% परसेंट उस प्रॉफिट में से आपको कमाना है यानी 5000 एकड़ के अंदर आपको 2000 5000 एकड़ का ही पेमेंट करनी है टू थाउजेंड फाइव टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एकड़ का आपने अर्निंग कर सकते हैं जो फाइव थाउजेंड एकड़ का इनकम होती है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रपोजल है कि एंजल इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्टमेंट करना है उसका फिफ्टी परसेंट उसको लोन मिलता है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइव पॉइंट नाइन परसेंट है तो उनकी इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री में एज ए एंजल इन्वेस्टर सबसे बेस्ट प्रोग्राम है इन्वेस्टमेंट का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एग्रीकल्चर लैंड से जो प्रोड्यूस होता है उसकी मार्केटेबल है उसकी सेलेबल वैल्यू है उसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है ना आप इन्वेस्टमेंट के अंदर और ना ही आप प्रोड्यूस जो लेते हैं उसको सेल करने के अंदर क्योंकि खाने वाली चीजें का हमेशा ही डिमांड है अबाउट दी प्रोजेक्ट 50 परसेंट लैंड जो कल्टीवेट की जाएगी उसमें आप सनफ्लावर बोएंगे और 50 परसेंट लैंड के ऊपर आप मस्टर्ड बोएंगे हम सनफ्लावर और मस्टर्ड ही क्यों बोएंगे क्योंकि ऑयल की इंडिया में शॉर्टेज है इंडिया में सनफ्लावर टू लैक फिफ्टी थाउजेंड मैट्रिक टन इंपोर्ट किया जाता है रशिया से और यूक्रेन से यूक्रेन से इंपोर्ट नहीं हो पा रहा सारा प्रेशर रशिया के ऊपर है तो वी हैव लॉट ऑफ स्कोप टू एक्सपोर्ट फ्रॉम रशिया टू इंडिया हम इंडिया में आसानी से अपने प्रोडक्ट को इंडिया में रहकर इंपोर्ट कर सकते हैं रशिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मार्केटेबल प्रोडक्ट है और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है 50% परसेंट लैंड के ऊपर कल्टीवेशन सनफ्लावर और 50% परसेंट के ऊपर मस्टर्ड और जहां पर फूल होते हैं वहां पर शहद का प्रोडक्शन बहुत होता है कम से कम एक हेक्टर के ऊपर लगभग 100 के के करीब हनी भी प्रोड्यूस हो जाता है टोटल एस्टिमेटेड हमारा प्रोडक्शन आता है ट्वेंटी थाउजेंड से लेकर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मैट्रिक टन ऑयल का प्रोडक्शन है एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आता है एनिमल फीड का टेन थाउजेंड से लेके ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड टन जो आपके के केक वो जो खली होती है वो 10,000 से लेके 12,500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड टन एनिमल फीड और 1600 से लेके 2000 थाउजेंड मैट्रिक टन आपके शहद का हनी का प्रोडक्शन आता है आप सब जानते हैं कि ऑयल का क्या प्राइस है सनफ्लावर का क्या प्राइस है वहां एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी क्या है और आप आराम से 25 परसेंट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट का इजली कंपनी डिविडेंड दे सकती है एक अच्छा अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद तो यू कैन अर्न एस्टिमेटेड 25 परसेंट ऑफ योर प्रॉफिट फ्रॉम योर टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आपका 55 करोड़ का होता है जिसका 25% परसेंट आपको प्रॉफिट होता है 13 करोड़ 75 लाख यानी कि आपको जो प्रॉफिट होता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर 13 करोड़ 75 लाख आपके इन्वेस्टमेंट का अगर आपको 50% परसेंट प्रॉफिट मिलता है तो उस प्रॉफिट में से इचली आप लोन की पांच ई के अंदर आप इचली पेमेंट दे सकते हैं आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका जो लोन अमाउंट है विद इन ए फाइव ईयर के अंदर इजीली रिपे हो जाता है और आप पूरे ही पांच हजार एकड़ के मालिक बन जाते हैं एस्टिमेटेड डिविडेंड आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट दिया जा सकता है इसमें कोई डाउट नहीं है हाउ टू मैनेज कंपनीज यूनाइटेड फार्मिंग रशिया में कंपनी और यूनाइटेड फूड इंडस्ट्री रशिया में और इंडिया में यूनाइटेड फार्मिंग का काम है फार्मिंग करना कल्टिवेशन करना यूनाइटेड फूड इंडस्ट्री का है ऑयल रिफाइनरी जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है उनको प्रोड्यूस करना और यूनाइटेड यूनाइटेड फूड इंडस्ट्री इंडिया का काम है मार्केटिंग करना इन तीनों कंपनियों का तीनों कंपनियों का जो मैनेजमेंट होगा बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी इन्वेस्टर फाइव इन्वेस्टर होंगे सारे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज्वाइन करेंगे अगर कोई ऑफ डायरेक्टर में आज फुल टाइम कोई डायरेक्टर आना चाहता है या किसी को नॉमिनी वहां भेजना चाहते हैं तो वहां वीजा लेके रशिया का वीजा लेके जा सकते हैं वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड रूबल जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वीजा लेने के लिए एक प्रॉपर सैलरी देगी नहीं अदरवाइज साल में जितनी भी तीन बार चार बार जो बोर्ड मीटिंग होती है उस बोर्ड मीटिंग के अंदर एज ए डायरेक्टर आप वहां जाएंगे वहां आने जाने का खर्चा आपको कंपनी बेयर करेगी और आपको बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी है जो 50 परसेंट शेयर है उसका चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर होगा और पांच आप इन्वेस्टर जो इंजन इन्वेस्टर हो बोर्ड को चलाएंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग होगी अकॉर्डिंग टू आई Company will be run by board of director very professional manner and accounting and auditing will be according to IFRS Future Prospects. Your profit first profit. विल स्टार्ट आफ्टर टू ईयर मस्टर्ड और सनफ्लावर मंथ ऑफ मई और जून में बोए जाते हैं हंड्रेड हंड्रेड ट्वेंटी डेज की क्रॉप होती है और उसके बाद हार्वेस्टिंग होती है तो इस साल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के अंदर आपकी फसल नहीं बोई जा सकती बोई जा सकती है मंथअ अक्टूबर में आप गेहूं बो सकते हैं लेकिन गेहूं जुलाई में आपकी कटेगी और आप जुलाई में गेहूं काटने के बाद सनफ्लावर और मस्टर्ड नहीं बो सकते रशिया में एक ही फसल होती है क्योंकि मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में स्नो रहती है और स्नोफॉल होती है तो जो भी टोटल इकोनॉमिक्स लगाने पड़ेगी आपको एक क्रॉप के ऊपर ही प्लान करना पड़ेगा दो क्रॉप हो जाती हैं वेजिटेबल लेवल की हो जाती है लेकिन वेजिटेबल को इतने बड़े लैंड एरिया को 50,000 एकड़ लैंड को आप मैनेज नहीं कर सकते तो उसी चीज की क्रॉप हम हाँ उगाना चाहते हैं कि जिसला इजीली प्रॉफिट करेंटेड हो और इजीली मार्केटेबल प्रोडक्ट हो तो पहले साल आप लैंड परचेज करेंगे और पहले साल ही आप ऑयल रिफाइनरी स्टेब्लिश करने क्योंकि उसके अंदर भी बिल्डिंग बनानी है प्लांट मशीनरी लगानी है उसमें भी टाइम लगेगा और 2024 में आप पहली क्रॉप आप लगाएंगे और 120 डेज के बाद यानी कि मई और जून में अगर क्रॉप लगाते हैं तो 120 डेज के अंदर किस बिफोर सितंबर अक्टूबर से पहले हार्वेस्टिंग करने के बाद अपनी ऑयल रिफाइनरी के अंदर अपना जो भी प्रोड्यूस है उसको आप ट्रांसफर कर देते हैं तो 2024 और 2025 कि जो बैलेंस शीट होगी उसी के अंदर प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करेंगे और आपको पहला प्रॉफिट मिलेगा 2024 और 25 की बैलेंस शीट में मिलेगा यानी कि पहला प्रॉफिट आपको दो साल के बाद मिलेगा और दो साल के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा आपको हर साल ही प्रॉफिट मिलेगा हर साल प्रॉफिट 13 करोड़ 75 लाख रुपीस में रुपी रूपीज या में आप इसलिए फाइव ईयर के अंदर लोन को रीपे कर सकते हैं और एक अच्छा खासा अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है तो आपको पांच साल के बाद यानी टू प्लस फाइव ईयर के बाद आपको टोटल थर्टीन करोड़ सेवेंटी फाइव लैख ही प्रॉफिट आपको मिलेगा लेकिन नेक्स्ट फाइव ईयर के अंदर यानी कि टू प्लस फाइव प्लस फाइव अगर ट्वेल्व ईयर का प्लान लगाया जाए तो हमारे पास रिजर्व इतने अच्छे हो जाते हैं प्रोजेक्ट बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि आपकी लैंड कम से कम दस हजार एकड़ यानी कि जो हमने पचास हजार एकड़ का प्रोजेक्ट लगाया है आराम से ही हम इसको एक लाख ,00 एकड़ का कर सकते हैं कि जो आपने पांच हजार एकड़ लैंड परचेज की है आपकी लैंड दस हजार एकड़ लैंड होगी ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट आपने थर्टीन करोड़ सेवेंटी फाइव लाख प्रॉफिट लिया था आपका प्रॉफिट उतना ही हो गया जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी अगर आप सत्ताईस करोड़ पचास लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई बहुत ज्यादा और साथ साथ प्रॉफिट भी आपको उतना ही मिलने लगा जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो ये हमारा सेवन ईयर का प्लान है और इस प्लान के अंदर 99.9 परसेंट पॉसिबिलिटी है आपकी प्रॉफिट ग्रंटेड होना और साथ साथ ही आपको लैंड की एप्रिशिएशन होने के उतने चांसेस नहीं है क्योंकि लैंड स्टॉक इज वेरी अवेलेबल इन रशिया लैंड इंक्रीज होती ही है लेकिन इन्वेस्टर जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है जिसमें अच्छी आ सकती है उसको सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता है और इसको सोचने सेल करने के लिए सोचना ही नहीं चाहिए कि जिसको भी आप बताएं कि मेरी लैंड पांच हजार एकड़ या दस हजार एकड़ लैंड है हमारा पचास हजार एकड़ का और एक हजार एकड़ एक लाख एकड़ का फॉर्म है This is a very very respectable project other than other, other project in India there you are already invested or you are planning to investment in as a angel investor. How to invest in agriculture industry in Russia with United Farming? स्टेप नंबर वन फिफ्टी परसेंट ऑफ योर लोन एप्लीकेशन जो आपको लोन एप्लीकेशन है आप सिर्फ एविडेंस ऑफ फंड कि आपके पास सत्ताईस करोड़ पचास लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का है उसकी लोन एप्लीकेशन ग्लोबल एग्रीकल्चर ग्लोबल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट फंड जिसकी एप्लीकेशन यूनाइटेड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सर्विसेज पंचकुला से मिलेगी आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट आपका पैन कार्ड है आधार कार्ड है और एक सिंपल प्रूफ ऑफ योर फंड बैंक का सर्टिफिकेट कि आपके पास सत्ताइस करोड़ पचास लाख है और आपका लोन सेंक्शन होगा और लोन सेंक्शन के लिए वही जो प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हैं रशिया के अंदर वही मॉर्गेज होगी और ईपेमेंट दोनों के लिए आपकी करंट जो इनकम जहां की है कोई इफेक्ट नहीं उसका है क्योंकि वहां की इनकम के ऊपर ही रीपेमेंट ऑफ लोन है आप टोटल लोन का 1.8 परसेंट लोन प्रोसेसिंग फी एज एनेशियल इन्वेस्टमेंट और सेकेंड पार्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट सेकेंड स्टेप आएगा आपका इन्वेस्टमेंट करने का क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए आपने रशिया में अमाउंट ट्रांसफर करना है जिस कंपनी से यूनाइटेड फार्मिंग के आप शेयर परचेज कर रहे हैं लोन के डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया पैन कार्ड है आधार कार्ड है आपका प्रूफ ऑफ फंड है इसलिए आपको लोन अरेंजमेंट हो जाता है उसमें कोई समस्या नहीं है वर्किंग इन ब्रीफ Step number three, establishment of oil refinery. Step number four, cultivation. Then harvesting. Then production of oil and animal feed. And refining of your honey. And packing. Uske marketing of the product. स्टेप फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर रशिया और यूक्रेन की वार हो रही है रशिया बहुत पावरफुल कंट्री है ये सारा इंडियन सब जानते हैं कि रशिया के ऊपर यूक्रेन आएगा और उसके ऊपर कब्जा कर लेगा ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान आएगा इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेगा इट नॉट ए पॉसिबल रशिया में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा सेफस्ट और ज्यादा सिक्योर है किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है कम्युनिस्ट कंट्री है ऐसा नहीं है यूएसएस टाइप के होता था इस वक्त प्राइवेटाइजेशन हो रही है जैसे इंडिया में भी हो रही है क्योंकि इंडिया में तो, तो टोटल नेशनलाइजेशन हो रहा था लेकिन आज वहां कोई रिस्क फैक्टर नहीं है आप एज ए फॉर्नर एग्रीकल्चर लैंड नहीं परचेज कर सकते हैं लेकिन ये कंपनी बना के आप एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर सकते हैं आप उस कंपनी के आप इंडिविजुअल शेयर होल्डर हो सकते हैं आपकी इंडिया की कंपनी वहां की शेयर होल्डर हो सकती है लेकिन आप डायरेक्टली जाके आप लैंड परचेज करें अपने नाम से रजिस्ट्री कर लें ऐसा नहीं कर सकते हैं जो 50% परसेंट लैंड है एक रशियन कंपनी की है जिसको हम ही मैनेज कर रहे हैं 50% परसेंट लैंड आप इंडिविजुअल इन भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज ए फॉरनर और एज ए फॉरन कंपनी भी उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सेफ्टी फैक्टर ये है कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट एक सिफ इन्वेस्टमेंट माना गया है इंडिया में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं चाहे एग्रीकल्चर में करते हैं चाहे कॉमर्शियल में करते हैं दो तीन परसेंट चार परसेंट से ज्यादा प्रॉफिट नहीं आता है बाकी प्रॉफिट हम गिनते हैं आपका एप्रिशिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से आएगा लेकिन जहां पर आप लैंड परचेस कर रहे हैं खाने पीने वाली चीजों गेहूं है चावल है दाल है मक्का है ऑयल है जो भी आप खाने पीने की चीजें हैं उसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है हमने कोविड के अंदर देख लिया है कि दुकानें सिर्फ खाने पीने वाली खुली थी किसान की किसानी चल रही थी बाकी सारी फैक्ट्रियां बंद थी सिर्फ मेडिसिन की कोविड शील्ड इस टाइप की मेडिसिन ही बन रही थी बाकी टोटली इंडस्ट्री बंद थी उत्तम खेती मध्यम व्यापार खेती बाड़ी के काम के अंदर बहुत प्रॉफिट है लेकिन लार्ज फार्मिंग के ऊपर बहुत प्रॉफिट है इंडिया में पांच हजार एकड़ या जा पचास हजार एकड़ या जा दस हजार एकड़ आप नहीं खरीद सकते क्योंकि कॉस्ट ऑफ लैंड बहुत ज्यादा है और रशिया बहुत दूर नहीं है आप पचास हजार रुपए के अंदर अंदर ही आने जाने की टिकट लेके वहां जा सकते हैं बहुत खूबसूरत है यूरोप ही है यूरोप ही है और यूरोप जैसा ही खूबसूरत रशिया है सेफ्टी फैक्टर बहुत ज्यादा है और अगर रिस्क फैक्टर आपको दो परसेंट या चार परसेंट है या दस परसेंट है नाइन्टी परसेंट आपका सेफ्टी फैक्टर है और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है तो इतना तो रिस्क इन्वेस्टर को बिजनेसमैन को लेना चाहिए क्योंकि बिना रिस्क लिए हुए अच्छा प्रॉफिट नहीं हो सकता है और कोई जानकारी हमसे लेना चाहते हैं कि आप किस तरह से एज ए एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यूनाइटेड फार्मिंग में हमारा ऑफिस है यूनाइटेड फार्मिंग इन ऑफिस ऑफ यूनाइटेड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सर्विसेज एस सी ओ थर्टीन सेक्टर फाइव पंचकुला हरियाणा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप नंबर है नाइन फाइव फोर डबल वन टू जीरो डबल वन थ्री बिकम एंजल इन्वेस्टर विच यूनाइटेड फार्मिंग एंड बिकम ओनर ऑफ फाइव थाउजेंड एकड़ थैंक यू वेरी मच